ऐसे बहुत बार होता है कि फास्टिंग के टाइम हम लोग कुछ खाते नहीं है और हमारा पेट गर्म हो जाता है, नेक्स्ट दिन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। तो ये एक ऐसी डिश है जिससे आप खाएंगे, आपका पेट भी ठंडा रहेगा, भूख भी नहीं लगेगी और बहुत टेस्टी भी होता है। तो सबसे पहले हम साबुदाने को लेंगे। साबुदाने को क्या करेंगे, रात को भिगा अच्छे से धो के भिगा के रख देंगे, होल पूरा नाइट सारा वो भीग के रहेगा। फिर हम मॉर्निंग में क्या करेंगे, उसमें डालेंगे दही, चीनी, मैंने यहाँ पे 4-5 चम्मच चीनी ली है, और थोड़े से नारियल, दही नारियल चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़े से फ्रूट्स लेंगे, फास्टिंग था है तो मतलब फ्रूट्स तो घर में आए ही होंगे, तो आप थोड़े से फ्रूट्स डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे ब्लैक अंगूर, ग्रीन अंगूर और थोड़ा सा एप्पल लिया है, आपके पास जो फ्रूट्स है वो भी ले सकते हैं। और मैंने बनाना लिया है, बनाना को अच्छे से मैश कर लीजिए और इनको अच्छे से मिला लीजिए। आपको ये हाथ से ही करना पड़ेगा, तो चम्मच से करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि बनाना को हमें मैश करना है, तो अच्छे से मैश कर लीजिए। इसमें बनाना आप जितना ज़्यादा डालेंगे उतना टेस्टी लगेगा, तो आप बनाना 3-4 भी डाल सकते हैं, और बाकी सब फ्रूट्स भी आप अपने मन से ले सकते हैं, जो आपको फ्रूट्स अच्छा लगता है वो डालिए। और ये अच्छे से इसको अच्छे से मिला लीजिए। अच्छे से मिलाने के बाद ये आपका बन के रेडी है। देखा, 5 से 10 मिनट में ये बन के रेडी हो गया। आपको हेल्दी भी मिला खाने को फास्टिंग के टाइम पे, और पेट भी भरा, और नेक्स्ट दिन कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली आपको। तो खाइए, एंजॉय कीजिए और फास्ट करिए। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मी।